Hey dear students, welcome to our YouTube channel Empower Education. I am your chemistry teacher and your guide Tejashree. I am hoping ki aap sab acche se padhai kar rahe ho. Today we are going to discuss on very interesting and very important topic of chemistry. Yes, carbon and its compounds. So aapko sabko pata hi hai ki carbon jo hai wo important element hai. So hum आज उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स कंपाउंड्स ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. पर हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें, तो देखेंगे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. पहले हम बात करेंगे ऑक्रेंस ऑफ कार्बन के बारे में. उसके बाद हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप्स. सो आज के इस सेशन में हम इस पॉइंट्स को कवर करेंगे, इन पॉइंट्स को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑकरेंस ऑफ कार्बन. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑकरेंस ऑफ कार्बन की कार्बन कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है. So carbon is found in the atmosphere, inside the earth's crust and in all living organisms. So students, carbon is that element which is present in all living organisms. So that's why we can say that carbon is really very important element. So carbon is present in fuels like wood, coal, charcoal, coke, petroleum, natural gas, biogas, marsh gas, etc. ये आपको पता ही होगा कि wood में, coal में, charcoal में, petroleum में, natural gas में carbon present रहता है. Carbon is present in compounds like carbonates, hydrogen carbonates, etc. And also it is formed in the free state as diamond, graphite, fullerenes, etc. तो बेसिकली आपको ये पता चला होगा यहाँ पे कि कार्बन हमें कहाँ कहाँ मिलता है. यू कैन सी द पिक्चर्स. ओके, तो ये था कि कहाँ कहाँ पे कार्बन हमको मिल सकता है, दैट इज द ऑकरेंस ऑफ कार्बन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एलिमेंट. तो आप सबको ये तो पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है. एंड यू ऑल नो दैट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी नीड व्हाट स्टूडेंट्स. यस, वी नीड एटॉमिक नंबर. एंड फ्रॉम दैट एटॉमिक नंबर यू कैन इजीली फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट. तो यहाँ पे आपको पता ही है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4. हमने क्या किया है, वो इलेक्ट्रॉन जो है स्प्लिटअप किया है. आपको शेल्स के बारे में आपने पढ़ा है, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, राइट. तो हर एक शेल की कैपेसिटी रहती है और उस हिसाब से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पे आपने देखा है कि कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर वो 6 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है 2 और 4. उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने किया है एज 2 एंड 4. यस, करेक्ट. तो आप अभी देख सकते हैं कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अभी सपोज यू कैन सी दिस इज कार्बन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कार्बन. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता है कि कार्बन का, अभी हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक मास जो है वो 12 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है. बट कार्बन जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर सी से, दैट यू कैन सी हियर. ओके, अभी हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया, दैट इज 2 एंड 4. तो उसके जो इनर ऑर्बिट में है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स. अभी यहाँ पर हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे रहता है. So this is nucleus of carbon, okay, and these are the orbits of carbon as you can see. अभी आपको मुझे एक question पूछना है कि जो nucleus होता है उसमें क्या रहता है students? Basically
न्यूक्लियस में जो रहता है वो वहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और जो ये आप ऑर्बिट्स देख रहे हो वहाँ पे आपको क्या दिखता है, आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो। ओके, तो आई एम गेसिंग कि थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लाइन से तो आप देख सकते हो, जनरली हम पॉइंट यूज़ करते हैं। ओके, लाइक दैट। तो अभी यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे, विच इज़ 6। आई एम राइटिंग दैट। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2। ओके, एज यू कैन सी। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे? दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स। आई एम शोइंग यू इलेक्ट्रॉन्स बाय लाइनिंग। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। या लाइक दैट, सो दैट यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज और इजीली अंडरस्टैंड दैट। तो आप यहाँ पे देखिए कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उससे डिसाइड होती है उसकी वैलेंसी। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? एक एलिमेंट की वैलेंसी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दिख रहे हैं, सो दैट्स वाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। राइट नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जब हम कोवैलेंट बॉन्ड स्टडी कर रहे हैं, डू यू नो वॉट इज कोवैलेंट बॉन्ड? और आपने आयोनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, कि आप देख सकते हो कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, स्पेशली कोवैलेंट बॉन्ड जो है वहाँ पे शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स का वो बॉन्ड बन जाता है। पर जब हम आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं वहाँ पे क्या रहता है? पॉजिटिव निगेटिव आयन्स रहते हैं और उसका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हम उसका कोवेलेंट नेचर जब हम बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ रहे हैं, तो व्हाई कार्बन ऑलवेज शो कोवेलेंट बॉन्ड? सिंपल है कि कार्बन जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। वो क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। अभी कैसे, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। यू कैन सी कि अभी सपोज, हाँ अभी आपने ये देखा कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे आपने देखा, ओके यहाँ पे ये मैंने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लाइन के थ्रू दिखाए हैं। ओके, अभी आपको पता है कि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, राइट? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, अभी आप समझो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक नंबर। सपोज इफ वी ऐड अदर 4 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, कैन यू सी? मैंने वो लाइन वहां पे बताई है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे कार्बन के? राइट, 10 हो गए। पर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? दैट इज 6। मीन्स अभी आपने जो देखा तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उतनी कैपेसिटी अभी उसके न्यूक्लियस में नहीं है। तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि वो गेन नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन्स, वाई ये अभी आपने देखा। अभी सपोज ऐसा हम सोचते हैं कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। ओके, अभी कैसे है? ऑलरेडी ये मत सोचो, अभी अभी ये हम रब कर देते हैं। ओके, या ओके, बैक टू अगेन आवर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फिर से न्यूक्लियस ड्रॉ करती हूँ। यस, फिर ऑर्बिट, ओके, और एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अभी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने वो निकाला भी है स्टैंडर्ड 9th में, राइट? तो यहाँ पे आप देखिए कि सपोज, अभी आपको तो पता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? ओके, अगेन, तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स है
और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, आप देख सकते हो। अभी सपोज कि कार्बन ने इसके चार इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, अभी वो नहीं है ऐसे समझो। ओके मैं ये रब कर देती हूँ, यस। और फिर क्या करती हूँ, एक ऑर्बिट फिर से वो बोल डाल देती हूँ मैं यहाँ पे। डोंट गो ऑन स्ट्रक्चर, ये अच्छे से नहीं बनाया है, आप वो अच्छे से बना सकते हो, आपको आइडिया जरूर आ गई होगी। ओके तो अभी क्या किया इस कार्बन ने, वो चार इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके वो लूज कर दिए। अभी आप बोलो कि सिक्स प्रोटॉन्स ऑलरेडी उसके न्यूक्लियस में है, राइट। अभी ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो ये भी क्या होता है, अनबैलेंस होता है। तो अभी प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए, मीन्स पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, और निगेटिव जो चार्ज है वो कम हो गया, विच इज़ अनबैलेंस। सो दैट्स वाई द कार्बन एलिमेंट शोज कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, तो स्टूडेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कार्बन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है, अदर एलिमेंट्स के साथ भी शेयरिंग कर सकता है। सो दैट्स वाई द नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कोवैलेंट। ओके आई होप सो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया होगा, और आपको ये जरूर समझा होगा। ओके सो दैट्स वाई दैट इज टेट्रावैलेंट, चार इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो वो शेयरिंग कर सकता है। अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन मुझे है कि शेयरिंग करके स्टेबिलिटी कैसे वो गेन कर सकता है। स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा कि ऑक्टेट स्टेट और डुप्लेट, ऑक्टेट स्टेट और ड्यूप्लेट स्टेट, जब हम ड्यूप्लेट स्टेट के बारे में बोलते हैं तो क्या कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या है कि उसने ड्यूप्लेट स्टेट कंप्लीट की है। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या, तो दैट एलिमेंट कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट स्टेट, यस। एंड देन ओनली दैट एलिमेंट कंप्लीटली स्टेबल इन नेचर। तो अभी ये तो आपको समझ में आया होगा कि स्टेबिलिटी कब मिलती है, कि जब वो उसके ऑक्टेट या डुप्लेट स्टेट कंप्लीट करता है तभी उसको स्टेबिलिटी मिलती है। पर कार्बन इज डिफरेंट, राइट। कार्बन यहाँ पे क्या करता है, शेयर करता है। अभी उसको शेयर करना होगा, उसको ऑक्टेट स्टेट गेन करनी है, राइट। डुप्लेट स्टेट तो वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स है, राइट स्टूडेंट्स। तो उसको क्या करना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ। ओके तो सिंपल है, देखो टेंशन नहीं लेने का है, क्या है कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या करना है हमको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे उसको चार और इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होंगे, या तो कार्बन से या फिर अदर एलिमेंट से, और तभी वो क्या होगा, स्टेबल इन नेचर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन। आई होप सो कि मैंने डिटेल में आपको वो बता दिया है और आपको वो जरूर समझा होगा। ओके If you don't understand anything, you can comment me in the comment box. Okay? I will try my best. Thank you. Abhi moving on to the next slide. Abhi humne pura covalent bonding ka nature kaise hota hai, kya hota hai, ye to humne acche se samajh liya. To abhi hum jo hai, ek example leke formation of covalent bond ke baare mein dekhenge. So first of all, let's see covalent bond. Okay? So here we have already discussed about it. कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म होता है, राइट। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, यह भी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, राइट। द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी यहाँ पे ये बताया है कि जब शेयरिंग होता है एक पेयर का, एक पेयर का मीन्स क्या स्टूडेंट्स, अभी समझो ये सिंगल बॉन्ड है, कैन यू सी, यस। तो ये सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या करता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सर्कुलर नहीं, थोड़े से लाइनिंग की तरह दिखते हैं, पर आप अच्छे से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स डॉट से, अभी हम जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं वहां पे हम देखेंगे, तो डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखो कि एक बॉन्ड दिख रहा है, वो सिंगल बॉन्ड बोलते हैं उसको,
तो वो सिंगल बॉन्ड क्या करता है, एक पेयर मींस दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयर करता है। सो देर इज अ फॉर्मेशन, व्हेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स वॉट, इट शेयर्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड वॉट अबाउट टू डबल बॉन्डेड कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, वॉट अबाउट ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो क्या, सिंपली चार पेयर, चार इलेक्ट्रॉन्स मीन्स टू पेयर वो शेयर करेगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा, मीन्स थ्री पेयर वो शेयर करेगा। ओके, सिंपल इज दैट। कि आपको ये समझ में आया कि जब एक सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या कर रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जब हम डबल बॉन्ड का बोल रहे हैं तो वहां पे वो क्या शेयर कर रहा है, तो वहां पे वो चार इलेक्ट्रॉन शेयर करे। राइट, करेक्ट, वेरी गुड। एंड जब हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या कर रहा है वो, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है स्टूडेंट्स? यस, करेक्ट, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहा है। मीन्स पेयर के हिसाब से हम बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड वन पेयर, डबल बॉन्ड टू पेयर, ट्रिपल बॉन्ड थ्री पेयर। इज इट इजी? अभी समझ में आया होगा आपको, इजी तरीके से मैंने बोला है। ओके, आई एम होपिंग कि आपको वो समझ में आ रहा है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड आई कैन हेल्प यू एंड मैं आपको बता सकती हूँ वो। ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है। ओके, यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एज यू नो, हमने वहाँ पे H2 लिखा है। क्यों H2 लिखा है? बिकॉज इट इज बायो मॉलिक्यूल। ओके, इट्स नेचर इज वॉट, इट इज बायो मॉलिक्यूलर। बायो मॉलिक्यूलर मीन्स हम हाइड्रोजन कभी अकेले में नहीं लिखते, हम पेयर में लिखते, लाइक H2, O2, N2, ओके, लाइक दैट। तो अभी यहाँ पे लेट्स सी, मैंने यहाँ पे अच्छे से एक स्ट्रक्चर निकाला है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन। ओके, यू नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन। एंड वॉट अबाउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और अरेंजमेंट? दैट इज ऑल्सो वन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी आपको ये तो समझ में आया ही है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट डिफाइंस इट्स वैलेंसी। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो अभी उसकी वैलेंसी कितनी होगी स्टूडेंट्स? राइट, वन। ओके, अभी ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें ये ज़रूरी है। ओके, यू हैव टू नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। एंड वो आप कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर, राइट? सो अभी ये तो हमें पता चला कि क्या है और उसकी वैलेंसी कितनी है वगैरह वगैरह। नाउ इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेन स्टेबिलिटी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अभी जब एक इलेक्ट्रॉन उसको कम पड़ रहा है, क्यों कम पड़ रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि उसको उसकी ड्यूप्लेट स्टेट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू इलेक्ट्रॉन्स ड्यूप्लेट स्टेट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट एट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट स्टेट। तो यहाँ पे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, अभी उसको स्टेबिलिटी गेन करनी है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? यस, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू अटेन स्टेबिलिटी। सो टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अभी क्या किया है हमने, एक और हाइड्रोजन एटम लिया है, क्योंकि ये क्या करे, हमको कोवेलेंट बॉन्डिंग देखनी है। कोवेलेंट नेचर मीन्स वॉट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? शेयर कैसे करते हैं उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक दो यहाँ पे आप देख सकते हो, सी दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये जो क्रॉस यहाँ पे आप देख रहे हो दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों भी अनस्टेबल है। वाई दे आर अनस्टेबल स्टूडेंट्स? सिंपल है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो अभी उसको जो स्टेबिलिटी गेन करनी है कैसे करेंगे,
by sharing of electrons. You can see here. इस हाइड्रोजन ने और इस हाइड्रोजन ने क्या किया है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया. शेयरिंग इज ऑलवेज क्या बोल सकते हैं हम, शेयरिंग इज ऑलवेज गुड, राइट. आपने वो एड्स वगैरह भी देखा होगा, हमको शेयर करना चाहिए, तो वही बात उन्होंने मान ली यहाँ पे. तो अभी उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ शेयर किया, राइट. तो अभी शेयर करने के बाद क्या हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए. ट्राई टू रिकॉल ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके. दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए मीन्स क्या, कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड. नाउ यू कैन सी इन बिटवीन दैट टू हाइड्रोजन देयर इज वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अभी समझ में आया कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये हाइड्रोजन और ये और ये दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया और एक पेयर बन गई अभी उसकी. एक पेयर रिप्रेजेंट व्हाट, वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सो इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2. इज इट इजी, आपको समझ में आया? तो इजी था ये, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बताने की कोशिश किया. आई होप कि आपको ये समझ में आया. तो अभी हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स डिस्कस फर्दर. अभी जैसे हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, अभी हम देखेंगे कि वो सिंगल बॉन्ड था, राइट. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इफ एनी एलिमेंट शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन देर इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इफ इट शेयर्स टू इलेक्ट्रॉन्स, ओके सॉरी फोर इलेक्ट्रॉन्स, देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. इफ देर इज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. तो लेट्स टेक बोथ द एग्जाम्पल्स. अभी हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का देख लिया, अभी हम ऑक्सीजन का. सेम तरीका है, ओके हर एलिमेंट का सेम तरीका है, आपको सिर्फ वो समझना चाहिए, ओके. द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अगेन वॉट वी हैव टू नो इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ एनी कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट इट्स वॉट एटॉमिक नंबर एंड देन फ्रॉम दैट एटॉमिक नंबर यू कैन ईजीली कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड देन फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिंपली यू विल गेट वॉट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसी से आपको पता चलेगा ना कि शेयरिंग कितने करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो गुड, अभी देखो कि 8 है उसका एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वो क्या है, 2-6, ओके. तो अभी वो समझ में आया, वैलेंसी जो है उसकी 6 है. अभी उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है टू गेन इट्स स्टेबिलिटी, टू अटेन इट्स स्टेबिलिटी, क्वेश्चन मार्क. यस करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है उसको अभी, राइट. देन वो क्या कंप्लीट करेगा, इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट स्टेट, करेक्ट. और जब वो ड्यूप्लेट, कोई भी जो एलिमेंट है, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दैट, जो कोई एलिमेंट है जब वो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट स्टेट कंप्लीट करता है तभी वो स्टेबल होता है, ओके. तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि अभी अगेन आई हैव टेकन O2, क्यू बिकॉज इट इज बायोमोलिकुलर इन नेचर, राइट. तो अभी देखते हैं, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट. अभी ये एक ऑक्सीजन है और ये एक ऑक्सीजन है. ये जो क्रॉस आप वहाँ पे देख रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप देख सकते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर फॉर द वन मॉलिक्यूल एंड अनदर मॉलिक्यूल. अभी दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है टू अटेन स्टेबिलिटी, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट स्टेट. तो अभी इन्होंने क्या किया है, ये जो ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और जो दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसने भी क्या किया है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं. अभी यहाँ पे आप देखो, जब आप टोटली देखोगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन सी देयर 1, 2, 3, 4. अभी 2 पेयर है यहाँ पे, दैट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, राइट. तो सिंपल है ना, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड हो गया एंड इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, O2. इज इट इजी और नॉट, राइट. सो ये बहुत सिंपल है. पहले हमको क्या
पता करना होगा, उसका एटॉमिक नंबर पता करना होगा, उसके हिसाब से हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करनी होगी, फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको कितने की ज़रूरत है वो हमको देखना पड़ेगा, और सिंपली उसको क्या करना है, शेयरिंग करना है। इन दिस वे ओनली यू कैन सी कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अभी लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल बॉन्ड, और उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। सो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो तो आपको पता होगा, दैट इज 7। एंड वॉट इज इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, दैट इज 2, 5। अभी उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी स्टूडेंट्स? यस, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी टू अटेंड इट्स स्टेबिलिटी। नाउ यहाँ पे देखो कि ये दो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे, अभी सिंपल है, कितने फटाफट कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेंगे टू अटेंड स्टेबिलिटी? 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ पे, तो उसको स्टेबिलिटी अटेन करनी होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे वो, क्वेश्चन मार्क। यू कैन सी सिंपली ये नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, ये नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और उसी हिसाब से कितने पेयर हो गए अभी यहाँ पे, यू कैन सी 1, 2 एंड 3, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। सो इन दिस वे स्टूडेंट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कैसे फॉर्मेशन होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये सब थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए है, यू कैन सी दैट, यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओके कैसे क्या क्या किया है। पहले मैंने 2 हाइड्रोजन एटम्स लिए है, ओके फिर कैसे शेयरिंग हुआ है वो, ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, ओके तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। अभी फ्लोरीन एटम्स का मैंने लिखा है, तो यू कैन सी, ओके सो कैसे उन्होंने शेयर किया है। कार्बन डाइऑक्साइड, अभी यहाँ पे मैंने एक नया एग्जांपल लिया, मैंने क्या किया, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिए, कंपाउंड फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पे देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कैसे फॉर्मेशन हुआ है वो देख सकते हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है, ओके टेक योर टाइम एंड सी दिस, ओके। और हाँ स्टूडेंट्स, आप आपके खुद के एग्जांपल्स भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपने किए होंगे तो यू कैन सेंड मी इन टू द कमेंट बॉक्स, और मुझे अच्छा लगेगा, ओके तो आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आई तो वो आप ज़रूर शेयर करना मुझसे, ओके तो ये एग्जांपल्स है, टेक सम टाइम और देख लो, ओके ईजी है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, वो जो डॉट्स दिख रहे हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन्स है, ओके और जो बीच में का वो दिख रहा है आपको प्लस साइन, यू नो दैट कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ओके प्रोटॉन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग निगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल इन नेचर। तो इलेक्ट्रॉन्स पे ऑलवेज निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल इन नेचर, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, ओके आई होप कि आपको ये समझ में आया। सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक वेरी इंटरेस्टिंग जो है, ओके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ऐसे डॉट डॉट करना किसी को अच्छा नहीं लगता, रंगोली बनाना अच्छा लगता है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो और हाँ, कैसे रहता है कि रंगोली में कैसे रहता है, हम अरेंजमेंट ऑफ क्या करते हैं, पॉइंट्स करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, राइट? और कुछ तो अच्छे से हम रंगोली वगैरह बनाते हैं, राइट? अभी यहाँ पे देखो कितनी अच्छी रंगोली बनी है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए वहाँ पे, बैक टू अपना वो जो है मेन, उस पर हम फोकस करेंगे, रंगोली वगैरह हटा दो दिमाग से, पर उसी काइंड ऑफ, ओके दैट काइंड ऑफ, ओके सो मिथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल। अभी मिथेन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिथेन का CH4, इथेन मॉलिक्यूल C2H6, हम उस पर भी बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। अभी आपको ये तो पता है कि कार्बन जो है वो C, कैपिटल C लेटर से रिप्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर H,
और दोनों में आप कॉमन देख सकते हो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ओनली देयर. ओके, सो सिर्फ हमको ये देखना है कि मिथेन में कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के फोर मॉलिक्यूल्स हैं. वाई फोर स्टूडेंट्स, वाई फोर, ये क्वेश्चन आपको आया क्या दिमाग में कि वहाँ पे फोर ही हाइड्रोजन क्यों, सात आठ नौ दस क्यों नहीं लिखे हमने? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है मेरे डियर स्टूडेंट्स, कार्बन की वैलेंसी जो है वो फोर है. तो उसको कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए? सिंपली फोर. सो वहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी दो है, अभी दो कार्बन है, मीन्स बॉन्डिंग क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है, पर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी सिक्स हाइड्रोजन. यू कैन सी यहाँ पे है, मैंने वो दिखाया है, यू कैन सी. अभी लेट्स फोकस ऑन मिथेन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर निकाला हुआ है. तो ये सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है मिथेन का. तो ये बॉन्डिंग आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड. तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट? अभी मैंने जो बात बोली कि कार्बन को टेट्रावेलेंट एलिमेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी वैलेंसी जो है फोर है, वो ऑलरेडी हमने सब डिस्कस किया है, राइट? तो अभी कार्बन वन टू थ्री फोर, ओके, उसने क्या किया, ये बॉन्डिंग से अपनी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई कर दिए. तो अभी समझो ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे होता है. देखो जो ये बॉन्डिंग है, ओके, ये तो आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहा है. नाउ यू कैन सी, यू कैन रिप्रेजेंट सिंपली बॉन्ड एज क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, यस, क्रॉस एंड डॉट. इज इट सिंपल कि अभी सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हमने एक क्रॉस एक डॉट, एक क्रॉस एक डॉट ऐसे यूज किया है. सिंपल अरेंजमेंट तो वही है, कार्बन बीच में है क्योंकि एक ही है, हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ हमने वो जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, हमने वो किससे रिप्रेजेंट की है, क्रॉस एंड डॉट. ओके, सिमिलरली यू कैन सी फॉर द इथेन मॉलिक्यूल C2H6. ओके, तो यहाँ पे भी हमने अभी देखा कि जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड ही है. ओके, तो वो सिंगल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट. अभी यहाँ पे मुझे एक बात आपको बोलनी है. अभी देखो यहाँ पे तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन हैं. अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई, तो लेट्स पुट वन नंबर, दिस इज वन कार्बन नंबर वन एंड दिस इज कार्बन नंबर टू, मीन्स मैं आपको वो अच्छे से बता सकती हूँ. यहाँ पे तो यहाँ पे एक बॉन्ड, मीन्स ये जो कार्बन है इसके साथ ये दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड शेयर कर रहा है, और रिमेनिंग थ्री हाइड्रोजन आर देयर. तो मीन्स क्या हुआ कि ये एक दो तीन चार, ऐसे चार वो जो है मॉलिक्यूल शेयर कर रहा है, दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइड फॉर इट, कि वो अपनी वैलेंसी वहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, चार मॉलिक्यूल्स उसको वहाँ पे मिले. सिमिलरली फॉर कार्बन नंबर सेकेंड, तो ऐसे वो क्या कर रहा है, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है. तो इन दिस वे आपको हर बार जब आप कार्बन कंपाउंड का ड्रॉ करोगे, ओके, तो आपको हर बार ये सोचना है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, कि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. अभी यहाँ पे देख लो, कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, क्रॉस से वो बॉन्डिंग दिखाई है. ओके, तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सिंपली जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है हम वो क्रॉस से दिखा रहे हैं, देखो यू कैन सी हियर, राइट, और सिंपली हमने डॉट से वो हाइड्रोजन उसको अटैच किया. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. यू कैन ट्राई मेनी मोर स्ट्रक्चर्स, अल्केन अल्किन सीरीज जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें से आप एक एक एग्जाम्पल लो, और यू कैन ड्रॉ सिमिलरली, ओके, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स. ओके, अगर आपको ये सब समझ में आया तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना,
अगर आपको वो कुछ नहीं समझ में आया, आपके कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ओके। आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्रिप्शन हमें इनक्रेज करता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए, और यस वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। सो आपको अगर ये समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको अगर ऐसे वीडियो और देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपके साथ और एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, डेफिनेटली वेट फॉर दैट। एंड थैंक यू, वी आर गोइंग टू एंड हियर, थैंक यू।